हेलो एंड वेलकम। मैं उषा गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माय किचन माय डिश। बकराईद का ज़माना चला गया है और अब हमने शुरू कर दी है अपनी चिकन की रेसिपीज़ बनाना। और बड़ा ज़बरदस्त सा मैंने चिकन का रेसिपी बनाया है और ये 350 ग्राम चिकन में 35 से 40 कबाब बनने वाले हैं। तो चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं रेसिपी। ये मैंने 350 ग्राम चिकन बोनलेस लेकर उसे उबाल लिया लहसुन अदरक काली मिर्च और नमक के साथ में, और उसको इस तरीके से हाथों से क्रश करके इसके बारीक रेशे निकाल लिए हैं। छोटे छोटे पीसेस काटे बोनलेस चिकन के, उसमें लहसुन अदरक काली मिर्च और नमक मिलाया और थोड़ा सा पानी मिलाकर इसे उबाल लिया गलने तक और पानी सुखा दिया। और उसके बाद जब ये ठंडा हो गया तो उसे हाथों से इस तरीके से क्रश कर लिया। ये क्रश करने का आप जो है फूड प्रोसेसर में भी कर सकते हैं। 4-5 आलुओं को उबाल लिया है, अच्छे उबले हुए आलू हैं। एक छोटे से पत्ता गोभी को बिल्कुल बारीक काट लिया है। 2 गाजरों को बिल्कुल बारीक ग्रेट कर लिया है। 2 शिमला मिर्च को एकदम बारीक काट लिया है। ये गाजरें हैं, 2 गाजरों को बिल्कुल बारीक ग्रेट किया है। तो ये इसकी बेसिक प्रिपरेशन कर ली है। साथ में इसमें ज़्यादा कुछ मसाले नहीं मिलाना है, इसमें हम मिलाएंगे सिर्फ नमक और काली मिर्च। तो ये आलूओं को हम क्रश कर लेंगे, मींस ग्रेट कर लेंगे। हाथों से भी क्रश कर सकते हैं, लेकिन ग्रेट किए हुए आलू इस रेसिपी के अंदर बहुत अच्छा इम्प्रेशन देते हैं। तो आलूओं को ग्रेट कर लिया और चलिए अब शुरू कर मिक्सिंग का काम कर लेते हैं पूरा अच्छी तरीके से। तो ये हमने एक पैन ले लिया और पैन में करीब 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है। ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, ये ऑयल अच्छी तरीके से गर्म होते बराबर हम इसके अंदर सबसे पहले ये पत्ता गोभी को डाल देंगे। और बस पत्ता गोभी को 1 मिनट तक सोटे करना है उसके अंदर, मींस पत्ता गोभी का कुरकुरापन चला जाना चाहिए, बस इतना पकाना है। और साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे ये ग्रेट किया हुआ गाजर। सभी सब्जियां जो हमने बारीक काटी थी उन्हें इसमें इसके अंदर मिला के 2 मिनट तक पकाना है। कोई इसके अंदर सॉसेज नहीं डालने हैं, कोई बहुत सारे मसाले नहीं डालने हैं। ये रेसिपी छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए बहुत ज़बरदस्ती है। पेट के पेशेंट इसे बहुत शौक से खा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर मसाले नहीं है बिल्कुल भी। उसके अंदर ये शिमला मिर्च भी डाल दी जो कि बिल्कुल बारीक काटी गई है। इस शिमला मिर्च से इस रेसिपी का जो टेस्ट और फ्लेवर है वो बहुत एनहेंस होता है। तो ये सारी चीज़ों को 2 मिनट तक मैंने ये कर लिया है, सोटे कर लिया है। इसमें हरी मिर्ची मैंने डाली है, 4-5 हरी मिर्चियों को बारीक काट करके डाला है। अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्ची स्किप कर सकते हैं। काली मिर्च डाली 1 चम्मच और नमक स्वादानुसार करीब 1.5 चम्मच नमक डाल रहे हैं। नमक हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके डालना है, चक चक के डालना है क्योंकि नमक हमने वो चिकन को उबालने में भी डाला हुआ है, तो इसलिए नमक को बहुत केयरफुली डालें सोच समझ कर, तो कहीं ज़्यादा ना हो जाए। तो ये रेसिपी छोटे बच्चों को तो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि छोटे बच्चे इसे बड़े प्यार से एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर अगर आप मिर्ची स्किप कर देते हैं तो छोटे बच्चों के लिए एकदम डिवाइन रेसिपी है। तो इसे 2-3 मिनट तक मैंने अच्छी तरीके से सब्जियों को सोटे कर दिया और अब इसके अंदर वो ग्रेट मतलब रेशे निकाला हुआ चिकन जो था उसे भी डाल दिया है। साथ ही इसके अंदर अब थोड़ी ही देर में ये जैसे ही चिकन मिक्स हो जाती है तो हम इसके अंदर आलू भी डाल देंगे। आलू इसके अंदर एक बाइंडर का काम करने वाला है और इसे हमने नाम दिया है सिलेंडर कबाब का। बड़े अच्छे खूबसूरत सिलेंडर बनते हैं और उसका शेप देखकर ही बच्चों को तो बहुत मज़ा आ जाता है और बुज़ुर्गों को भी बहुत मज़ा आ जाता है। और खैर जवानों को तो खाने के लिए बस सब कुछ चाहिए। तो आप बच्चे बूढ़े और बुज़ुर्गों सबके लिए इस रेसिपी को बनाइएगा। बारिश के दिनों में खाने के लिए ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं, कॉफ़ी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है, इसे ठंडा होने के बाद इसके सिलेंडर शेप में कबाब बना लेंगे। तो ये मैंने कुछ कबाब पहले से बना कर रखे हैं और मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि इसे मैंने कैसे बनाया है। हाथों में लगाया है ऑयल और एक पोर्शन लिया है। अब ये पोर्शन जो है आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं क्योंकि इसे पकने का कोई टेंशन नहीं है, सारी चीज़ें पकी हुई हैं, इसे बस फटाफट तलना है। तो मैंने इसे गोल किया, हथेली पे रखा और इस तरीके से रोल कर दिया तो ये सिलेंडर शेप में आ गए हैं।
और ये सिलेंडर शेप इसके बहुत ज़बरदस्त होते हैं, और अपने सिलेंडर शेप की वजह से ये रेसिपी स्नैक के आइटम में बहुत ज़बरदस्त है। आपके घर पे मेहमान आए हों और आप चाय के साथ में इसे बहुत अच्छे से सर्व कर सकते हैं, और या फिर अपने डिनर टेबल के स्टार्टर की शान बढ़ा सकते हैं। तो ये सारे सिलेंडर बनाकर मैंने तैयार कर लिए हैं। अब मैं इन्हें कोट कर लूँगी सिर्फ कॉर्नफ्लोर से। उस कॉर्नफ्लोर के अंदर कुछ भी नहीं मिलाया है, सिर्फ कॉर्नफ्लोर है, और बस उसे इस तरीके से मैंने कोट कर लिया है सारे सिलेंडर कबाबों को इस तरीके से। आपको मैं ठीक से दिखाऊंगी कि ये बहुत कायदे से इसके अंदर लग जाने वाले हैं। मैंने अपने मिक्सिंग बोल को ज़रा साइड किया। अब ये देखिए आप किस तरीके से मैंने सारे सिलेंडर कबाबों को उस कॉर्नफ्लोर से कोट कर लिया है, और अब मैं इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देने वाली हूँ। 1 घंटे के लिए जब इसे फ्रिज में रख देंगे तो इसके ऊपर जो कॉर्नफ्लोर की कोटिंग की है वो एकदम अच्छी तरीके से चिपक जाने वाली है, और तलने में वो बिल्कुल निकलने वाली नहीं है, और इन कबाबों को तलना इतना ही आसान हो जाने वाला है जितना उसे खाना आसान है। तो आप इसे खाने के लिए बस तैयारी करके रख दें, और जैसे ही मेहमान आए एक साइड चाय चढ़ाएं और दूसरी साइड इन्हें तलना शुरू करें। तलने के लिए बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगने वाला है। मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, करीब 1 कप के जितना ऑयल डाला है, बड़ा सा पैन है, और उसमें जब मैंने ये टूथपिक को डाला तो वो छुन छुन हुई। इसका मतलब ये कि ये तेल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है तलने के लिए। बहुत तेज़ गर्म तेल नहीं चाहिए। आँच को तेल गर्म होने के बाद लो कर दें, और इस कबाबों को लो और मीडियम आंच के ऊपर ही तले, तेज आंच के ऊपर ना तले, नहीं तो वो दिखने में उसका कलर डार्क हो जाएगा और वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो बहुत खूबसूरत सा गोल्डन कलर लाने के लिए बिल्कुल लो आंच के ऊपर तले, और इसके ऊपर की जो कॉर्नफ्लोर की कोटिंग है वो एकदम क्रिस्पी हो जाने वाली है। अब इन्हें इतने ही पीस डाले मैंने जो आसानी से मूव हो सके। तो आप भी ऐसा ही करें, तलने के टाइम पर बिल्कुल भी ओवर क्राउड ना करें कढ़ाई को या पैन को, जो भी आप जिसमें भी तल रहे हैं। एक साइड से हल्का ब्राउन होने के बाद इन्हें आप पलटना अलटना शुरू करें, और अलट पलट करते हुए बहुत खूबसूरत सा आपका मन चाहा गोल्डन कलर आने तक इन्हें तल लें लो टेम्परेचर के ऊपर, लो हीट के ऊपर। गैस को मीडियम या लो करें, इंडक्शन पे कर रहे हैं तो भी बहुत कम आँच के ऊपर इसे तल लें, और बड़े खूबसूरत कलर आते हैं, और इसको तलने में भी बड़ी अच्छी खुशबू आती है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर कुछ और सब्जियां भी मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं। वैसे ये इतनी सब्जियों में ही बस बहुत काफ़ी अच्छा हो जाता है, काफ़ी टेस्टी हो जाता है। और ये देखिए आप, मैं इन्हें आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ कि ये कितनी खूबसूरती से तले जा रहे हैं। इनकी कोटिंग बिल्कुल नहीं निकली है क्योंकि मैंने इन्हें 1 घंटे फ्रिज में रखा है, और फ्रिज में रखने के बाद ठंडे ठंडे तल रही हूँ मैं। इन्हें निकाल लूँगी जैसे ही मेरा मनपसंद गोल्डन कलर आ गया है। मैं इन्हें निकाल लूँगी स्ट्रेनर की मदद से टिश्यू पेपर के ऊपर, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल सोखा जा सके। वैसे आप देखेंगे कि मैंने जो तेल इसके अंदर डाला था, ये 35 से 40 कबाब बने हैं, और ये सारे कबाब इतने ऑयल में तलने के बाद भी ये ऑयल बच जाने वाला है। तो मैंने ये एक बैच इसमें तल के निकाल लिया है, दूसरा बैच भी इसी में मैं तलूंगी और सारे कबाबों को इसके अंदर ही इसी तरीके से तल दूंगी। तो ये मेरे सिलेंडर कबाब हैं। दिखने में ही बड़ा मज़ा आता है, नाम सुन के और भी ज़्यादा मज़ा आता है, और ये बहुत अच्छे से तले जा चुके हैं। मैं अभी इन्हें गार्निश करने जा रही हूँ सर्विंग ट्रे के अंदर, और जैसे चाहें आप वैसे सजाएं, आपकी अपनी इमेजिनेशन है। मैंने इन्हें ऐसे रखा, और मैं इन्हें सर्व करूंगी म्यूनीज और केचप के साथ में। आप चाहें तो केचप और म्यूनीज को मिलाकर एक डिप भी बना सकते हैं, और नहीं तो दोनों को अलग अलग रख सकते हैं। और मैं तो इन्हें इस तरीके से गार्निश कर रही हूँ केचप और मेयोनीज लगाकर। मैंने एगलेस मेयोनीज लिया हुआ है जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। डॉक्टर ओटकर का मैंने लिया है मेयोनीज, और बस मैं इसे तोड़कर दिखाऊंगी कि अंदर से कितने लाइट वेट और कितने जालीदार कबाब बने हैं अंदर, और बहुत ज़बरदस्त कबाब बने हैं। गर्म गर्म चाय और कॉफ़ी के साथ सर्व करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अपने दोस्तों के साथ रेसिपी पसंद आई है तो शेयर करें। कमेंट्स में मुझे बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। बाय बाय। अल्लाह।